हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हम यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम हुआ है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है 25 अक्टूबर को, उसी फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस देखेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही बता दूँ, जो एग्ज़ाम हुआ है ऐसे क्वेश्चन आए जो एक्सपेक्टेड नहीं किए थे। आपने जीके के क्वेश्चन जो थे, और मैं कहूँ आपको रीजनिंग क्वेश्चन, जो इतने अच्छे क्वेश्चन आए थे कि आप उसको कर सकते थे, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखे थे। मैंने आपको वीडियोस बना के दी थी, बहुत सारी वीडियोस आपको मिली थी, आपने अगर देखा होगा तो। रीजनिंग की आपके पास वीडियोस थी, आपके पास जीके की वीडियोस थी इतनी सारी, जो कि आपको हेल्प करती है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, देखिए, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर हम जो भी ऑनलाइन फ्री स्टडी पर बनाते हैं वीडियो, जो कि इम्पॉर्टेंट रहती है, मटेरियल इंपॉर्टेंट रहता है आपके स्टडी के लिए, तो उसकी वीडियो की पीडीएफ आपको मिलती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी टेलीग्राम की, उसे ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ और बाकी इतनी डेली बेसिस पे पीडीएफ आपको मिलती हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ फ्रेंड्स, जिसका भी एग्ज़ाम था आज या आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है, उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की लिंक है, जो ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि अगर देखिए, आप अगर मुझे स्क्रीनशॉट या फिर आप एक फ़ोटो खींच के देते अपने एग्ज़ाम का, ऑफलाइन एग्ज़ाम था यूपी पुलिस का, तो उसका एनालिसिस करके मैं आपको दे दूंगा। और अभी जितने भी क्वेश्चन मिले हैं उतने मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है जनरल साइंस का। देखिए, पूछा था रक्त का थक्का जो होता है वो किससे बनता है, तो बनता है थ्रोमोसाइट से। किससे? थ्रोमोसाइट से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा था हमसे, एक सामान्य मनुष्य में यूरिन जो होता है वो 24 घंटे में कितना रिसाव होता है या कितना बनता है, तो बता दूं। देखिए, वहाँ पर वैसे तो नॉर्मली बनता है 1.5 लीटर, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर 1.5 आपके पास नहीं था, तो 1.8 था, तो ये आपका आंसर था 1.8 लीटर, ठीक है। अब देखिए, एक डाई का क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको, बहुत पहले ही डाई करवा दी थी, जो आपका एग्ज़ाम था जब यूपी पुलिस का, बहुत पहले ही करवाई थी आपसे। इसमें पूछ लिया था, अगर ऊपर एक है, एक दिया हुआ था, नीचे वाली सतह पर क्या होगा। तो सबसे पहली बात, अगर हम ऐसा करते हैं, देखिए अभी भी आपको ऐसा अगर दिया हो तो देखिए, ये भी दाएं, ये भी बाएं, ये भी इसके पास, ये भी इसके पास, ठीक है। तो मतलब कि इसका कहने का मतलब है, इसके नीचे क्या होगा। देखिए, एक हो गया हमारा, एक तो कुछ नहीं, दो हो गया, तीन हो गया, ठीक है, पांच हो गया, छह हो गया, बचा कौन सा, चार बचा। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो कन्फर्म करने के लिए क्या कर लीजिए, एक लिख लीजिए ऐसे क्लॉक वाइज चलिए, ठीक है। इसमें भी क्लॉक वाइज लिखा, एक तीन दो, ठीक है। अब इसमें भी क्लॉक वाइज लिखिए, एक जगह को छोड़ दिए, किसको छोड़ दिए, पहली वाली जगह को छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर पांच लिखिए और छह लिखिए, पांच और बचा कौन सा, चार बचा, तो चार ही रिसिप्रोकल होगा, मतलब चार कैसा होगा, रिसिप्रोकल होगा एक का, और एक किसका होगा, चार का होगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आंसर था, बहुत सिंपल सा। और देखिए, बहुत ही सिंपल सी सीरीज पूछी गई थी, बताऊंगा मैं आपको, 14, 22, 32, 44, 58 और 74। देखिए, +8, +10, +12, दो 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 प्लस होते आ रहे हैं, और लास्ट में हो गया 18, तो 92 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन था हमारा, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती। तो देखिए, आपके पास ऑप्शन थे नर्मदा, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। तो फ्रेंड्स देखिए, बता दूं आपको, जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है, और मध्य प्रदेश की नदी है चंबा, जो कि विंध्याचल पर्वत से निकल, जो पर्वत से निकलती है, मध्य प्रदेश से होती निकलती है, पश्चिम की ओर जाती है, और पश्चिम क्या है, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी नहीं है, अरब सागर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से बता दूँ आपको, ये आपका नर्मदा आंसर होने वाला था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये देखिए, सभी को पता होगा, 1972 में हुआ। अब एक रीजनल क्वेश्चन देखिए, ई एफ जी को हम बोल रहे हैं 5, 5, 6, 7। तो ई का सबको पता है 5 होता है, जो ई 5वें नंबर पे होता है, एफ 6वें होता है, और जी 7वें पे होता है। तो पी ओ पी क्यू कितने पे होगा। तो देखिए, ओ कितने पे आता है, ओ आता है 15वें पे, ठीक है, अल्फाबेट में। और पी कितने पे आता है, 16वें पे। और क्यू कितने पे आता है, 17। तो 15, 16, 17 इस प्रकार का आपका आंसर होने वाला था। अब देखिए, इस प्रकार कुछ एक क्वेश्चन पूछा था हमसे, बी सी ई 235 है, तो के एम क्यू क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल, बी दो कहते हैं हम, बी दो दो नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, और ई जो है पता भी पता ही करा, 5 पे आता है। तो इसी प्रकार से के कितने पे आता है, 11 पे, एम 13 पे, और क्यू कितने पे आता है, क्यू आता है 17वें पे, ठीक है। तो आपका ये आंसर था। अब देखते हैं, देखिए, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक
कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास चार ऑप्शन थे, शुक्राणु, डिंस, भ्रूण या युग्मनज। तो युग्मनज यानी कि जायगोट, जायगोट आपका सही आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कृष्णा लिगार्डे किस देश से है? तो कृष्णा लिगार्डे जो है वो क्या है, फ्रांस से है। कहाँ से है? फ्रांस से है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, इनमें से कौन सी नदी यमुना यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो मेरे पास यो, और देखिए पहले बता दूं वहां पर ऑप्शन था, तो कल्याणी, आपका कल्याणी जो नदी है वो यहाँ का आंसर होने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 2018 में किस शहर में नावार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया? तो किस शहर में किया? तो ये किया था लखनऊ में। कहाँ पर किया? लखनऊ में। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें विषम बताना है, बहुत ही सिंपल, चूहा, सांप, छिपकली और मगरमच्छ। देखिए आपको चूहा मिल जाएगा घर में, ठीक है, ठीक है, हो सकता है सांप भी मिल जाए आसपास मिल सकता है, ठीक है, ओके, और छिपकली भी मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर मगरमच्छ आपके आसपास नहीं मिलेगा, ये तो या तो जल जल में ही मिलेगा या फिर पानी के अंदर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए एक 14वां क्वेश्चन था, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये क्वेश्चन आया था, लेकिन फिर भी ये मेरे पास आ गया है, ए ई आई ओ, इसके बाद क्या आएगा, यू आएगा। तो बॉबल्स हैं, बॉबल्स होते हैं, पांच बॉबल्स हैं और इसके आंसर हमारा यू आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, 15, 6, 18, 9, 21, 3, 24। ठीक है, तो देखिए +3, +3, +3, +3, ठीक है, और यहाँ पर +3 और -6, ठीक है, कितना हो गया, +3 और -6 और फिर +3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और सीरीज है, बहुत सिंपल सिंपल सीरीज पूछी है, 225, 289, 361। तो ये देखिए सभी के क्या स्क्वायर है, 15 का, 17 का, 19 का, फिर 21 का। तो 21 का कितना आता है, 441, ये सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल से आप निकाल लेंगे। ओके, अब देखिए और भी कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए जैसे कि ई बी ई डी जी एफ आई एच जे और एच जे के पास हमसे पूछा था ये। ठीक है, तो ये कि ऐसे कैसे, देखिए कैसे लगाएंगे, बी से बना बी ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, और फिर यहाँ से देखिए, और सॉरी बी से डी, ठीक है, और डी से एफ आएगा, एफ से यहाँ पर चले एच, तो एच आई जे, ठीक है, फिर यहाँ से इस प्रकार करेंगे, एक 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 अंक छोड़ना है, बीच में क्या करना है, एक वर्ड छोड़ना है, दूसरे को लिखना है, तो दूसरे से यहाँ पर क्या आएगा, जे एम हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन के आविष्कार, देखिए बताना था विटामिन जो के है, विटामिन के की जो आविष्कार किया था वो किस की, जो किया था और उनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो वो नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो देखिए विटामिन के नोबेल पुरस्कार दो लोगों को मिला था, डोजी और डेजी को, किस डोजी और डेजी को, ठीक है, डोजी और डेजी, यहाँ पर डेजी लिखिएगा, ठीक है, डोजी सॉरी डोजी और डैम, ठीक है, क्या डोजी और डैम लिखिएगा, क्या लिखे, डैम अम्मा है वो, ठीक है, डोजी और डैम दोनों को ही मिला था। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये तो सिंपल क्वेश्चन था जीएसटी के, मैंने आपको एक कम से कम 40 से 45 मिनट की एक वीडियो दी है, उसमें से इतना कुछ बताया है कि मतलब ऐसे कमेंट आए थे कि इतना इनफ है, मतलब इतना आप इतना बताया जी जो है फाइनेंस वालों के लिए, बैंक के लिए पर्याप्त था, जब बैंक के लिए पर्याप्त था तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा था फ्रेंड्स। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही छोटे लेवल का है, जीएसटी संविधान का कौन सा बार संशोधन था, यानी कौन सा अमेंडमेंट था, तो 101 बार अमेंडमेंट था, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, किसका, यूपीएससी का, ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये आ चुका यूपीएससी में। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन थे हमारे पास जो आपको मिले, और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन रह गया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं पहुंच पा रहे तो कमेंट कर दीजिएगा, जिससे क्या है मैं अभी 8-9 बजे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे टॉपिक वाइज, सारे जितने टॉपिक वाइज हमें क्वेश्चन मिले, अभी मैथ आपको नहीं मिल पाया है तो मैथ की वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जितने भी और हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन जो मिलेंगे वो दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपको शेयर का बटन दबा दीजिए, फिर फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे एक बटन आ रहा होगा सब्सक्रिप्शन का, और उसके बाद आएगा बेल का आइकन, दोनों को दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे क्या वो जितनी मेरी वीडियोज़ हैं, जितना भी मैं नोटिफिकेशन डालता हूँ, जितनी वीडियो डालता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार चेकआउट कीजिएगा हमारे ऑनलाइन फ्री स्टडी चैनल पर, और प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।